हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेसेस। ठीक है, ये इडियम्स एंड फ्रेसेस का पार्ट टू है। इससे पहले हम पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ साइड में एक लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आई बटन बना होगा साइड में, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी लिंक्स आपको, सारी वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इडियम हमारा क्या है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हिंदी में भी इसका मीनिंग को हम देखेंगे। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मीनिंग क्या होता है? एट अ पिंच यानी कि ट्रबल में होना, इन अ ट्रबल। ओके, एट अ पिंच को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? समस्या में होना, यानी कि प्रॉब्लम में होना, इन अ ट्रबल। ओके, सो एट अ पिंच मतलब इन अ ट्रबल। नेक्स्ट है एन आर्म्स लेंथ। एन आर्म्स लेंथ का मतलब है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली होने से अवॉइड करना, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, या दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी। टू हैव बिटर एनमिटी यानी कि कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, तो कट्टर दुश्मनी है अगर किसी के अंदर, किसी के दोनों के बीच में, तो हम बोल सकते हैं दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, सो डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? टू हैव बिटर एनमिटी यानी कि कट्टर दुश्मनी होना। एट ईजी, एट ईजी का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम पेन एंड एन्जाइटी, यानी कि पेन से फ्री होना, एन्जाइटी से फ्री होना, चिंता से फ्री होना, दर्द से फ्री होना। ठीक है, एट ईजी यानी कि चिंता रहित। ओके, चिंता से फ्री, सो उसको बोलते हैं एट ईजी। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर एंड्स। एट वंस फिंगर एंड्स का मतलब क्या होता है? कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, यानी कि एट वंस फिंगर एंड्स यानी कि बोलते हैं ना कि ये सब तो मेरी उंगलियों का काम है, ये सब तो मेरी उंगलियों पर है सब कुछ, यानी कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, यानी किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, किसी चीज़ में कंप्लीट नॉलेज होना, पूरी जानकारी होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एट वंस फिंगर एंड्स। ओके, एट वंस फिंगर एंड्स यानी कि पूरी जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन समथिंग। ओके, एट वंस विट्स एंड्स। एट वंस विट्स एंड्स का मतलब है पजल्ड हो जाना, कन्फ्यूज़ हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, यानी कि अगर कोई पजल्ड है, कन्फ्यूज्ड है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट ही इज़ एट हिज विट्स एंड्स। ठीक है, ही इज़ एट हिज विट्स एंड्स यानी कि वो पजल्ड है, कन्फ्यूज्ड है, यानी कि चकित है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पजल्ड, कन्फ्यूज्ड, एट वंस विट्स एंड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का क्या मतलब होता है? कि डिसऑर्डर में होना। ठीक है, किस में होना? डिसऑर्डर में होना, यानी कि अस्त व्यस्त होना। क्या होना? अस्त व्यस्त होना, कोई भी चीज़ सही तरीके से ऑर्डर में ना होना, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब हो गया अस्त व्यस्त यानी कि डिसऑर्डर, राइट। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या होता है? दांव पर। ठीक है, किसी चीज़ को हम दांव पर लगा रहे हैं, यानी कि इनसिक्योर कर रहे हैं उसको, तो उसको बोलते हैं। तो इसलिए जब दांव पर लगा रहे हैं तो वो रिस्क में आ गई, इनसिक्योर हो गई, इसलिए इसका मीनिंग होता है रिस्क और इनसिक्योर। ठीक है, तो एट स्टेक यानी कि एट रिस्क और इनसिक्योर। नेक्स्ट है एट द इलेवेंथ आर। एट द इलेवेंथ आर का मतलब है लास्ट मोमेंट, एट लास्ट मोमेंट, यानी कि कोई भी काम हम अगर एकदम लास्ट मोमेंट में जाके कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एट द इलेवेंथ आर। मान लो हमारा एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी हम बिल्कुल एक दिन पहले कर रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट से एक दिन पहले, तो उसको हम बोलेंगे एट द इलेवेंथ आर यानी कि एट द लास्ट मोमेंट। ओके, सो एट द इलेवेंथ आर का मतलब होता है अंतिम समय में, यानी कि एट लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, यानी कि एक ऐसा मैन जिसकी कोई वॉइस नहीं है, कोई विल नहीं है। ठीक है, अपनी कोई वॉइस नहीं है, यानी कि अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई आवाज़ नहीं है, यानी कि वो अपने हक के लिए कुछ ना बोलता हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ओके, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मामूली या अभावग्रस्त आदमी। ठीक है, जिसकी अपनी कोई वॉइस नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ।
नेक्स्ट है अ ब्लैक शीप. अ ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, कोई अनलकी पर्सन हो या कोई बैड करेक्टर हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अ ब्लैक शीप. या तो कोई अनलकी पर्सन या कोई बैड करेक्टर, किसी पर्सन का बैड करेक्टर हो तो हम उसको बोल सकते हैं अ ब्लैक शीप. ओके, सो अ ब्लैक शीप को हिंदी में क्या बोलेंगे, अशुभ व्यक्ति, यानी कि अनलकी पर्सन, अशुभ व्यक्ति. सो एन अनलकी पर्सन यानी कि बैड करेक्टर हो किसी का तो उसको बोलते हैं अ ब्लैक शीप. नेक्स्ट है एट अ स्नेल्स पेस. एट अ स्नेल्स पेस यानी कि बहुत ही स्लोली चलना, बहुत ही स्लोली काम करना, तो उसको बोलते हैं एट अ स्नेल्स पेस. ओके, यानी कि एक अगर मैं कोई काम स्लोली कर रही हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगी, आई एम एट अ स्नेल्स पेस. ठीक है, यानी कि मैं स्लोली कर रही हूँ. ठीक है, सो आई एम एट स्नेल्स पेस. तो एट अ स्नेल्स पेस का मतलब क्या होता है, वेरी स्लोली. नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स. एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है, इन डिस्प्यूट या फाइट में होना. ठीक है, डिस्प्यूट में होना, फाइट में होना, उसको बोलते हैं एट लॉगर हेड्स. क्या बोलते हैं, एट लॉगर हेड्स. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शत्रुता की स्थिति. ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें शत्रुता हो और उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं एट लॉगर हेड्स. या कोई दो लोग हैं वो अगर शत्रुता में हैं यानी कि डिस्प्यूट में हैं तो उनको हम बोल देंगे दे आर एट लॉगर हेड्स. ओके, नेक्स्ट है ऑल एट सी. ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज, किसी का पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो जाना, कुछ समझ में ना आना क्या करना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल एट सी. यानी कि कोई अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ही इज ऑल एट सी. ही इज़ ऑल एट सी यानी कि ही इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज. ओके, सो ऑल एट सी का मतलब होता है कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो जाना, यानी कि पूरे रूप से कंफ्यूज होना ना, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना. ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल एट सी. नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट. अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन. ठीक है, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन यानी कि कोई चीज़ हमने खरीदी बहुत महंगी है लेकिन फिर भी वो बेकार है. मोस्टली सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, वो महंगी होती है लेकिन बाद में वो बेकार निकल जाती है तो हमें बहुत दुख होता है. ठीक है, तो उसको हम, उसके लिए भी इडियम है, वो ये है कि अवाइट एलिफेंट, तो उसको हम अवाइट एलिफेंट बोलते हैं. ठीक है, देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसका मीनिंग ये हो सकता है लेकिन यही इसका मीनिंग है. ठीक है, अवाइट एलिफेंट का ही मीनिंग है कोई एक्सपेंसिव चीज़ जो कि यूजलेस हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवाइट एलिफेंट. चलिए नेक्स्ट है एक्स आउट. एक्स आउट का मतलब क्या होता है, टू टर्न आउट. एक्स आउट का मतलब टू टर्न आउट यानी कि बाहर करना, किसी को बाहर करना. ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स आउट. नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट यानी कि डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी के सामने लाना किसी चीज़ को. मान लो हम सबूतों को सामने ला रहे हैं किसी केस में तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्लोज़ करना. या किसी की बात को हम सामने ला रहे हैं, किसी ऐसी बात को जिसको हमने छुपा के रखा उसको हम सामने ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोज़ करना. तो उसको इडियम में कैसे बोलेंगे, ब्रिंग टू लाइट. ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज. ओके, नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, मटेरियल वेलफेयर. ठीक है, मटेरियल वेलफेयर यानी कि भौतिक भलाई. भौतिक भलाई से क्या मतलब होता है कि फिजिकल जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, फिजिकल चीज़ें बहुत होती हैं, लाइक कोई भी घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम खरीद खरीद के लाते हैं, और वो एक तरह के मटेरियल वेलफेयर है. ठीक है ना, वो उस तरह का मटेरियल वेलफेयर है यानी कि भौतिक भलाई है, वो एक कुछ टाइम के लिए रहती हैं. ठीक है ना, मटेरियल वेलफेयर है ये हमारे साथ नहीं जाने वाला है ना, तो ये मटेरियल वेलफेयर है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर. ओके, नेक्स्ट है बाय एंड बाय. बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, स्लोली. बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे. ओके, सो बाय एंड बाय यानी कि स्लोली. अगर हम किसी से बोलना चाहते हैं इस काम को धीरे धीरे करो तो हम उससे क्या बोलेंगे कि प्लीज़ डू दिस वर्क बाय एंड बाय, यानी कि स्लोली स्लोली इस काम को करो. ठीक है, नेक्स्ट है बैक स्टेयर गॉसिप. बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब क्या होता है, टॉक अमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक. यानी कि सर्वेंट्स के बीच में कोई टॉक हो रही है और वो अनफेयर टॉक है. ठीक है, अनफेयर टॉक है तो उसको हम बोलेंगे बैक स्टेयर गॉसिप. बैक स्टेयर गॉसिप यानी कि पीछे चुपके गॉसिप करना, तो उसको हम बोलते हैं टॉक अमंग सर्वेंट्स, या फिर उसको बोलेंगे अनफेयर टॉक. ओके, क्या बोलेंगे, अनफेयर टॉक. चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है. ओके, सो दे हमारे आइडियम जो है कंप्लीट होते हैं आज के सीरीज़ के, और आज के पार्ट के ये आइडियम्स कंप्लीट होते हैं. इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. आपको इसमें ये बताना है कि जो एन एसिड टेस्ट लिखा हुआ है इसका मीनिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है.
ठीक है। सो आपको लिखना है गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, यानी कि इसका जो भी आंसर है, अगर आपको लगता है ए आंसर है इसका तो ए आप आंसर कमेंट करो, बी आंसर कमेंट करो, सी करो या डी करो, जो भी आपको लगता है। ठीक है, आंसर सभी को करना है, जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेसेस। इसी तरह से हम कल भी पार्ट 3 लेके आएंगे, डेली एक एक पार्ट आपके लिए आता रहेगा, जिससे कि इडियम्स एंड फ्रेसेस के से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे छूटे ना। ठीक है, वो हम कर लें अच्छे से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हम छोड़ते हैं तो उसका एक मार्क चला जाता है। ओके, सो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल से जुड़ सकते हैं। ग्रुप्स में क्विजेस होती हैं, आप क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, तो वो चैनल पे अपलोड होती हैं, तो आप चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो सिर्फ अपने तक ही उसे मत रखना, क्योंकि अगर आप उसे अपने तक ही रखोगे तो आगे वीडियोज़ फिर नहीं आएंगी, क्योंकि जब कोई भी चैनल की अगर ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ही नहीं वीडियो, उसको ज़्यादा लोगों तक उसको यूज़फुल नहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लोग उस वीडियो को, तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, राइट। तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो। ठीक है, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, तीन ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर आएगा ऑल का ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करना है। तो जिनकी भी प्रॉब्लम है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, उनको आ जाएगा अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तभी मैं आगे वीडियोज़ लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।